ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने शनिवार को कहा कि इजराइल और अमेरिका को उनके देश के खिलाफ जो कुछ भी करना है उसके लिए जवाब मिलेगा। तेहरान में छात्रों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने ये बातें कही। वहीं खामेनेई के एक सलाहकार ने कहा कि तेहरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा बढ़ाने पर विचार भी कर रहा है, साथ ही अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने पर भी विचार कर रहा है। खामेनेई के सलाहकार ने दावा किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ईरान ने 2000 के दशक में जारी किए गए एक मजहबी फरमान से इसे रोका है। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. इजराइल एक तरफ हिजबुल्ला के साथ उत्तरी फ्रंट पर लड़ रहा है तो दूसरी तरफ गाजा में हमास के साथ भी लड़ रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमला कर दिया है, हथियार बनाने वाले एक कारखाने को नष्ट भी कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसका वीडियो जारी कर दिया है जहां सुरंग के अंदर हमास का ठिकाना मिला है, जहां भारी भरकम हथियार भी मिले हैं। इसराइल का हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला जारी है। इसराइल ने शनिवार को वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया कि इसराइल की वायुसेना ने हिजबुल्ला के एक ठिकाने पर हमला किया जहां से इसराइल ने गलीली में रॉकेट दागे जा रहे थे। हिजबुल्ला ने यहां से 30 रॉकेट दागे थे। इसराइल की एयर स्ट्राइक में लॉन्चर के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने इसराइल पर जवाबी हमला करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका को डर है कि अगले 48 घंटों के अंदर ईरान अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस तीसरी बार लॉन्च कर सकता है। दिन के अंदर परमाणु युद्ध भड़काने के दो सबसे बड़े कदम उठा लिए गए हैं। एक तरफ पुतिन ने परमाणु युद्ध का चैलेंज देकर अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स को लॉन्च करके दिखाया। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर की रेंज में एटम बम गिरा सकती है। तो उधर दूसरी तरफ बाइडेन ने कहा कि अमेरिका देगा मुंहतोड़ जवाब और ईरान के करीब तैनात कर दिया अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान B-52 और यही बन गया है नवंबर में न्यूक्लियर वॉर का सबसे बड़ा खतरा। इन दोनों पावर्स के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर किसी भी वक्त तीसरा अटैक किया जा सकता है। ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد الله مسئولین مشغول انجام این کارها هستند. تناو بہت زیادہ ہے اور اسی لیے بائیڈن نے بھی 24 گھنٹے کے اندر ہی ایران کو گھیرنے کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि अमेरिका खाड़ी देशों के अपने अड्डों पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम वर्षक B-52 तैनात कर रहा है। इसकी तादाद एक से ज्यादा है। इसके अलावा टैंकर विमान ताकि लंबी दूरी के मिशन में आसमान में ईंधन भरा जा सके। इसके साथ ही साथ नौसेना के डिस्ट्रॉयर जो लंबी दूरी की मिसाइल फायर कर सकते हैं वो भी खाड़ी के पास तैनात रहेंगे।
फोर्स की ऐसी तैनाती इसीलिए की जा रही है क्योंकि ईरान की तरफ से बयान बहुत घातक आ रहे हैं। इसराइल और अमेरिका को डराने के लिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि जब ईरान मारेगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा। زندگی کنید، شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید. ایک پرمانو بم ورشک کو پشچم ایشیا میں تینات کرنے کا مطلب بہت خطرناک ہے، یہ بات بائیڈن جانتے ہیں، اسرائیل جانتا ہے اور ایران بھی۔ اس کا مطلب جو بم اسرائیل اپنے فائٹر جیٹ سے فائر نہیں کر سکتا، اب وہ بم بائیڈن پھوڑیں گے۔ ईरान को मिट्टी में मिलाने वाला बाइडेन का ट्रिपल बी वाला फॉर्मूला तैयार। אני מעריך מאוד מאוד את תמיכת ארצות הברית. והמדיניות שלי היא פשוטה. כשאפשר אני אומר כן. אבל כשצריך אני אומר לא. लेकिन ट्रिपल बी का खतरा रूस को डराने के लिए भी है। रूस के कई आधुनिक हथियार पहले ही ईरान पहुंच चुके हैं और ऐसा लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस से अमेरिका भी घबरा चुका है, इसीलिए ईरान पर नकेल कसने के लिए बाइडेन ने अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर खाड़ी देशों में तैनात कर दिया है। लेकिन इसके बाद खामनेई ने जो कहा उसके बारे में जानकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी हैरान हैं। B-52 अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बमवर्षक है। जब ये रनवे पर चलता है तो और ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका का B-52 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। इस बम वर्षक विमान को अमेरिका हमेशा एक बहुत ही खतरनाक मैसेज के रूप में इस्तेमाल करता आया है, लेकिन इस बार वो रूस, चीन या फिर उत्तर कोरिया के सामने नहीं बल्कि टकराव ईरान के साथ है, जो पहले भी उसके आधुनिक दो ही विमानों को घुसपैठ करने पर मार गिराता रहा है और अब इसराइल पर दो दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद नेतन्याहू का सबसे बड़ा डर बन चुका है। लेकिन अमेरिका साथ है। B-52 बम वर्षक को वॉर जोन में उतारकर अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब ईरान और इसराइल के बीच किसी भी वक्त बड़ी और नॉनस्टॉप जंग छिड़ सकती है। तब पश्चिम एशिया में अमेरिका का B-52 परमाणु बम वर्षक विमान लाना खामनेई से ज्यादा पुतिन को बड़ा सिग्नल है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो ईरान को रोकने के लिए इसराइल की आखिरी दम तक मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ है खाड़ी के आसपास उसके तमाम मिलिट्री अड्डे। ये दोनों ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बने हुए हैं और ईरान से आर पार का युद्ध शुरू हुआ तो खामनेई का ऑर्डर इन दोनों पर मौत बरसाएगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं। دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
के खौफ के सामने अमेरिका ने फॉर्मूला ट्रिपल बी लॉन्च कर दिया है। फॉर्मूला ट्रिपल बी यानी बाइडेन का बंकर बस्टर बम। इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त तीन तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं। पहला है जीबीयू 28, दूसरा है जीबीयू 72 और तीसरा है जीबीयू 57। ईरान इसराइल के बीच तनाव में अमेरिका का B-52 नई चिंगारी बन चुका है, जिसे उड़ाकर अमेरिका ने ईरान को धमकाया है कि वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। अब तक इसराइल ने हमास और हिजबुल्ला की सुरंगों को छोटे बमों से तबाह किया, लेकिन ईरान उसके सामने बड़ा चैलेंज है। ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस और मिलिट्री ठिकानों को निपटाने के लिए अब इसराइल को अमेरिका का फॉर्मूला बी अपनाने की जरूरत है। फॉर्मूला बी कैसे काम करता है उसे भी बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले इसराइल का जीबीयू 28 बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है। अगर ये बम फेल हुआ तो जीबीयू 72 हाजिर है जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं हैं। और अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में तीन तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं, F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गाजा और तेहरान तक बमबारी की जाती है। लेकिन ऐसे मिशन की कमी है कि छोटे विमानों पर बम का साइज भी छोटा होता है, इसीलिए जब तीसरा विकल्प जीबीयू 57 हो तो इसे लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म यानी विमान भी बड़ा चाहिए। जीबीयू 57 अमेरिका का सबसे ताकतवर बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है, यानी जमीन को 60 मीटर चीरता हुआ धमाका करता है। इस बम को सिर्फ अमेरिका के बड़े बम वर्षक विमान जैसे B-52 या B-2 ही लॉन्च कर सकता है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोट फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरा अंडरग्राउंड बंकर, सुरंग या एयरबेस एक बार में ढह सकता है। यहाँ पर छुपा दुश्मन कितना भी सुरक्षित महसूस क्यों ना करे, आखिरकार वो मारा जाएगा। अमेरिका का परमाणु बम वर्षक B-52 इस तनाव में नई चिंगारी बन गया है, जिसे उड़ाकर अमेरिका ने ईरान को धमकाया है कि वो किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। 26 अक्टूबर को इजराइल के हमले के बाद ईरान बहुत गुस्से में है और उसने इजराइल को नतीजे भुगतने की धमकी दे दी है। इससे पहले वो यमन में B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों के जरिए हुथी विद्रोहियों को टारगेट कर चुका है। The employment of the B-2 bomber was a unique demonstration of the United States' ability to target facilities that our adversaries seek to keep out of reach, no matter how deeply buried underground, hardened or fortified. And it demonstrates U.S. global strike capabilities to take action against these targets when necessary, anytime, anywhere. It also sends a clear message to the Houthis that there will continue to be consequences for their illegal and reckless attacks, which put innocent civilian lives and U.S. and partner forces' lives at risk. America knows that
कि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी और आसपास तैनात उसके 43,000 सैनिक आज नहीं तो कल टारगेट बन सकते हैं। ये सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान के आसपास अड्डों पर तैनात हैं। अमेरिका का समुद्री बेड़ा लगातार एक्टिव है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसकी रेंज में वो हर देश है जो इसराइल की तरफ आंख उठाकर देख सकता है या देख रहा है। ईरान के तेवर अमेरिका को लेकर बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये खौफ सऊदी अरब को भी है। Made it clear to our Iranian counterparts that it is important that we avoid any further escalation. My sense is that it, at least on their side, that they realize the risks of escalation and would prefer to avoid it. Saudi Arab ab Iran ke rishte behtar ho chuke hain, lekin Iran baar baar warning de raha hai ki America Israel ke saath lada. तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे भी तबाह कर दिए जाएंगे। अब इस बात से सऊदी अरब का परेशान होना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि अमेरिका के कई अड्डे सऊदी अरब में भी हैं। ये युद्ध अगर बढ़ा तो इजराइल और अमेरिका के अड्डों के खिलाफ बटन दबाने ईरान के बड़े बड़े कमांडर भी तैनात हैं। खामनेई की तरफ से जवाबी हमले की घंटी जब से बजी है, ईरान की पूरी मिलिट्री फोर्स 2400 घंटे इजराइल के टारगेट तलाश रही है। شما فکر میکنید می توانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق دو دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد، دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد. این بار هم به خطا دست زدید، پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور. ईरान के जनरल हुसैन सलामी ने तीसरे हमले की धमकी साफ साफ दे दी है। वो जानते हैं कि ईरान के मिसाइल अटैक ये साबित कर चुके हैं कि इजराइल के पास उन्हें रोकने की 100% वाली गारंटी नहीं है। 26 अक्टूबर के जवाबी हमले के बाद इजराइल को भी लगता है कि ईरान का गुस्सा उस पर किसी भी वक्त फूट सकता है। देखा जाए तो पश्चिम एशिया में इस वक्त ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें बारी बारी से ईरान और इजराइल एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अगर ये युद्ध भड़का तो देर सवेर अमेरिका और रूस भी इसमें एंट्री करेंगे और तब ये एक और महायुद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसकी आंच से दुनिया जलेगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई होती है और जहां अमेरिका का भी दखल है और रूस भी अब यहां ईरान के साथ नजर आ रहा है।